8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धारा ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, मंगलवार को यूक्रेन पर हुए रूसी हमले में रूस की 2 मिसाइलें पोलैंड में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस रात पोलैंड विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है। वहीं पोलैंड ने रूस के राजनयिक को भी तलब किया। रिपोर्ट के बाद संकट की स्थिति को देखते हुए पोलैंड सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। पोलैंड में हवाई सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पोलैंड में रूस के मिसाइल अटैक की रिपोर्ट आने के बाद आधी रात खलबली के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ने पोलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड पर मिसाइल गिरने की रिपोर्ट को गलत ठहराया। तीसरी ब्रेकिंग, बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में आज पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति समेत कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लंच की मेजबानी भी करेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अध्यक्ष और स्पेन के राष्ट्रपति अध्यक्ष के साथ सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूके के राष्ट्रपति अध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। चौथी ब्रेकिंग, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे। वहीं से पहले सुबह 11 बजे गृहमंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल खाटलोडिया में केसरिया रैली निकालेंगे और 12 बजे के बाद नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। केजरीवाल आज गुजरात के वलसाड में रोड शो करेंगे। वहीं आप पार्टी के सांसद राघव चड्ढा लगातार गुजरात में मोर्चा जमाए हुए हैं। आज राघव चड्ढा अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। छठी ब्रेकिंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुधवार को लोकभवन में कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगने के आसार हैं। इस बैठक के बाद सीएम योगी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में शामिल होंगे। सातवीं ब्रेकिंग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। आज राष्ट्रपति सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। ये कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। दोपहर 1:15 बजे राष्ट्रपति स्टेट हैंगर भोपाल से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली ब्रेकिंग, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नौवीं ब्रेकिंग, पंजाब के किसान आज पूरे प्रदेश में कई जगहों पर चक्का जाम करेंगे। पटियाला, फिरोजपुर, मानसा और अमृतसर में बड़ी संख्या में किसानों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। दरअसल 6 अक्टूबर को पंजाब सरकार के किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में मांगे माने जाने के आश्वासन के बावजूद नोटिफिकेशन जारी न होने पर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। दसवीं ब्रेकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में धीमी जमा वृद्धि और लोन की ऊंची मांग को बनाए रखने से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 11वीं ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व कमिश्नर राकेश अस्थाना के नियुक्ति मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 12वीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान ने परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 13वीं ब्रेकिंग, उम्मीदवारों को एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने वाली मांग पर भी आज देश की सबसे बड़ी अदालत में फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर आज सर्वोच्च अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। दिल्ली की विशेष अदालत ने आबकारी नीति मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत आज इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। 15वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी आज दोपहर 2 बजे कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी ने कांथी स्थित घर के पास तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद TMPC के गेट वेल सून अभियान पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था और हाईकोर्ट में दायर मामले में CBI जांच की मांग की। 16वीं ब्रेकिंग, भारत और अमेरिका सालाना युद्धाभ्यास आज से शुरू हो रहा है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज इस बार चीन से सटी LAC के करीब उत्तराखंड के औली में शुरू होने जा रही है। LAC से 100 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी और भारतीय सेना की साझा ट्रेनिंग होगी।
सत्रहवीं ब्रेकिंग, दिल्ली के हाई लेवल श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब ज्वाइंट सीपी की निगरानी में होगी। इस मामले में पुलिस आज आरोपी आफताब के कुछ दोस्तों से भी पूछताछ कर सकती है। वहीं हत्या को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। आज हिंदुत्ववादी संगठन, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी का आंदोलन होगा। और 18वीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। नासा ने चंद्रमा में आर्टेमिस 1 मिशन को आज तड़के 2 बजे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन के SLS रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च पैड 39B से लॉन्च किया गया। ये एक मानव रहित मिशन है जिसमें नासा के मेगा रॉकेट के जरिए ओरियन क्रू कैप्सूल को चांद तक भेजा गया है।